पानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात है तो आए यहाँ आकर बैठकर बात करें। आए बैठे मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए बात होगी। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने वाज़े किया कि पहली तकरीर में मिसाक़ मईशत की पेशकश की गई जिसे हकारत से ठुकराया गया। हमने इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल में था जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो सुपरिटेंडेंट जेल से छुट्टी मांगी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मेरी कमर में तकलीफ थी लेकिन ख़तरनाक कैदियों वाली गाड़ी में बिठाया गया ताकि मुझे तकलीफ हो। मैंने कैंसर से मुतासर होने के बावजूद कभी जेल में इसका रोना नहीं रोया। बानी को अगर वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को कराया गया कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चारा कार नहीं। मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुब्रन को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से उम्मीद आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी दे दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है। जो खतरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको जोफ पहुंचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूं, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।